नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं कार ड्राइव। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। टाटा पंच के काफ़ी ज़्यादा मिथ्स बने हुए थे मार्केट में, शॉर्ट्स देख रहे थे, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर कर रहे थे, लेकिन आज पूरे मूड से इसका चैप्टर क्लोज कर देते हैं। तो टाटा पंच की बात करने वाले हैं आज ओवरऑल। तो टाटा पंच में देखेंगे क्या क्या फीचर आते हैं, क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या खामियाँ हैं, जो कि आज इस टॉप एंड मॉडल के साथ पूरी कर लेंगे। MH नंबर, ये रेड प्लेट की गाड़ी कहीं ना कहीं देखते थे, लेकिन आज हमारे सामने आ गई। सबसे पहले मैं बॉडी की बात करता हूँ, तो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं इसमें सामने, और यहाँ पर आपको DRL देखने के लिए मिल जाएगा। DRL के साइड में आपको टर्न इंडिकेटर भी दे रखा है। ड्यूअल फंक्शन काम नहीं करता, ओनली DRL है। साइड में इंडिकेटर दे रखा है हेलोजन बल्ब के साथ। नीचे आपको क्रोम का यूज़ किया गया है, जो पूरी आगे फ्रंट बम्पर पे दे रखा है, मतलब कि यहाँ एंड टू एंड दे रखा है। आगे यहाँ से शुरू होकर दूसरे DRL तक जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और सामने आपको ग्लोसी ब्लैक एक पार्ट मिल जाएगा, जो कि एक टाटा नेक्सोन की याद दिलाता है। वहीं एक टाटा का लोगो मिल जाएगा, जो काफ़ी सुंदर प्लेसमेंट है जिसकी। और वहीं आपको ट्राई एरो मिल जाएंगे, और ट्राई ही मिल जाएंगे, तीन एरो मिल जाएंगे, मतलब ये जो कि हॉर्न को जहाँ पे जिसके पीछे एक हॉर्न प्लेस है, जो कि हॉर्न की साउंड के लिए रिलीविंग साउंड अच्छी दे रखी है। वहीं अगर मैं पीछे आ जाता हूँ, तो पीछे से मैं अगर बात करता हूँ, तो आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प है विद हेलोजन बल्ब के साथ, मतलब कि येलो लाइट का थ्रो होगा, जो काफ़ी अच्छा है मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में। नीचे आपको कॉर्निंग बल्ब वो मिल जाएंगे, कॉर्निंग लैम्प, जैसे कि फोग लैम्प है, कॉर्निंग लैम्प का भी काम कर सकते हैं। वहीं आपको टायर सेक्शन देख सकते हो आप, 195/60 R16 का आपको टायर मिल जाएगा। डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाएंगे, जो अलॉय व्हील है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे कोई इससे मतलब हैराश नहीं है, जो एक अच्छा दे रखा है इस सेगमेंट की गाड़ी में। वहीं आपको ORVM ब्लैक मिल जाएंगे, ड्यूल टोन की गाड़ी है तो ब्लैक मिल जाएंगे, ग्लोसी ब्लैक में विद टर्न इंडिकेटर के साथ। देख सकते हो टर्न इंडिकेटर इसी पे दे रखा है, जो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि ओवरऑल गाड़ी की लुक को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। वहीं आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, जो कि ड्राइवर साइड है, को ड्राइवर साइड नहीं आ जाता। ऊपर रूफ रेल्स भी हैं, और ब्लैक पिलर मिल जाएगा, ABC तीनों पिलर ब्लैक मिल जाएंगे। सी पिलर पर आपको डोर हैंडल मिल जाएगा, जो कि पीछे वाली विंडो डोर को हम ओपन कर सकें। स्विफ्ट जैसा नहीं है बिल्कुल ही, उससे भारी है, जो काफ़ी मतलब एक अच्छी गाड़ी की फील दिलाता है। वहीं आपको ट्राई एरो टेल लैम्प मिल जाएंगे हेलोजन बल्ब के साथ, जो मतलब तीन फंक्शन दे रखे हैं। ट्राई एरो एक तरफ, अपर नीचे और नीचे, मतलब तीन बल्ब जलने वाले हैं, हाई बीम, लो बीम और रिवर्स वाला बल्ब। नीचे आपको वो मिल जाएगा, दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, और पंच की बैजिंग मिल जाएगी, टाटा का लोगो मिल जाएगा, कैमरा मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं ऊपर बात करता हूँ, तो आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफोगर और वाइपर मिल जाएगा आपको, ये रेन सेंसिंग नहीं होगा। टाटा पंच की बैजिंग मिल जाएगी, नीचे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा बूट को ओपन करने के लिए। बूट स्पेस आपको दिख ही रहा होगा, दो लाइसेंस लैंप मिल जाएंगे, और पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी पीछे आपको, नेकरेस्ट पीछे से दिख रहे हैं। या आपको कुछ सामान रखने के लिए कुछ बेल्ट मिल जाएगी, एक तरह से कुछ कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर पड़ा है आपका, ये बूट स्पेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपको एक हुक मिल जाएगा कि कुछ भी सामान वगैरह टांगने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब कि एक ग्रैब हैंडल देखिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, जो मतलब नॉर्मल गाड़ियों में ऐसा नहीं देते, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे से कुछ इस तरह की है पंच। चलिए एक बार डोर ओपन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है टाटा पंच में। डोर ओपन कर लिया, डोर 90 डिग्री के एंगल पे खुलता है, जो कि पूरा 90 डिग्री का एंगल बना देता है, बिल्कुल एल शेप में। डोर ओपनर काफ़ी हार्ड दे रखा है, मतलब मजबूत गाड़ी की फील दिला रहा है जो आपको। वहीं आपको ट्विटर दे रखा है, एक ट्विटर की प्लेसमेंट दे रखी है। वहीं आपको स्पीकर दे रखा है, नीचे आपको बोतल होल्डर दे रखा है। ये ORVM के कंट्रोल, चार पावर विंडो कंट्रोल, डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं। वहीं टाटा पंच के अंदर आ जाते हैं, अब देखते हैं क्या कुछ है पंच के अंदर। अब आ गए हम टाटा पंच के अंदर, और फैन स्पीड कम कर दिया थोड़ी, फैन की स्पीड। अंदर से डैशबोर्ड देखिए, और ब्लैक में डैशबोर्ड है, और सिल्क व्हाइट एक्सेंट के साथ है। इस पे भी ट्रायो एरो बीम का डिजाइन बना हुआ है, हल्का हल्का लाइट शेड में, जो दिखाई नहीं दे रहा। इंटीरियर काफी ज्यादा सुंदर है डैशबोर्ड पे। ये आपको ब्रैकेट में आपको ये मिल जाएंगे, आपको AC वेंट, चार AC वेंट है, एक वहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ये आपको हैजार्ड लैम्प का, और 7 इंचेस की हार्मन टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। इसका टच स्मूथ काफ़ी अच्छा है। और तो मैं सेंटर कंसोल की बात करूँ, तो सेंटर कंसोल में आपको वही अल्ट्रोज जैसा MID मिल जाएगा, देख सकते हो आप, 220 की लास्ट स्पीड है, और इधर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी, इधर आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ये फ्यूल का आपको डिजिटली मिल जाएगा, टाइम वगैरह ऑडोमीटर सब कुछ मिल जाएगा। वहीं अगर मैं स्टेयरिंग की बात करता हूँ, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है इसमें, ये देख सकते हैं हम, टाटा को बीच में लोगो दे दिया, और ये
आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाए, जो काफी स्पोर्टी फील कराता है। क्रूज कंट्रोल का फीचर इसमें मिल जाएगा आपको, ये हॉर्न के बटन और यहाँ पे वॉइस कमांड के फीचर जैसे भी फोन काटने के, और यहाँ पे आप इसको इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं अगर मैं एसी की बात करूँ तो एसी भी इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, काफी अच्छे फीचर है। एक फीचर ऐसा भी है, ये आपको पीछे के लिए मिल जाएगा, पीछे आप शीशे पे आप डिफोकर आप ऑन कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हैं पीछे। वहीं अगर मैं नीचे बात कर रहा हूँ तो ये आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, एक डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा यूएसबी के लिए। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए कुछ वो मिल जाएगा, कुछ इस तरह की आती है। अगर मैं की बात करूँ, ये लॉक के लिए, ये आपको बूट के लिए, ये अनलॉक के लिए, और ये हैज लैंप ऑन करने के लिए कहीं आपकी गाड़ी खड़ी है। 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ ये आती है। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, वो दूसरे मॉडल में है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ मिल जाएगा टायर इन्फ्लेटर वगैरह के लिए, या आपका हैंड ब्रेक ये कुछ इस तरह मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश का यूज मिल जाएगा। सीट्स काफी अच्छी हैं। वहीं अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करता हूँ, ग्लव बॉक्स कुछ कूल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा काफी अच्छा। इसमें आपको एक ऊपर टैबलेट के लिए स्पेस भी दे रखा है, काफी अच्छा कूल ग्लव बॉक्स है। यहाँ से आप देख सकते हो, फील भी कर सकते हो कूल को, क्या फील तो क्या करोगे। वहीं अगर मैं डोर की बात करता हूँ तो डोर पे इधर आपको स्पीकर मिल जाएंगे, आपको काफी हार्ड डोर ओपनर मिल जाएगा, ये कुछ व्हाइट और ब्लैक में आपको डोर मिल जाएगा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ आपको अगर मैं IRVM की बात करता हूँ, डे नाइट फीचर के साथ मिल जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं आता। या आपको लैंप के लिए, या आपको यहाँ पे एक माइक मिल जाएगा, एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी, वैनिटी मिरर इस साइड मिल जाएगा आपको, या आप उसको इधर कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं गाड़ी की बात करता हूँ तो गाड़ी का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। एयरबैग की बैजिंग आपको दोनों तरफ मिल जाएगी, यहाँ भी एयरबैग और उधर भी एक एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी। डेमो मॉडल है तो थोड़े से आपको स्क्रैचेस में दिखाई दे रहे होंगे, वैसे काफी अच्छा गाड़ी का एक्सपीरियंस हमारा है। वहीं अगर मैं सीट्स की बात करता हूँ तो सीट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेदर नहीं है, विनाइल अपहोल्स्ट्री की सीट आती है इसमें, जो काफ़ी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। वहीं अगर मैं पीछे से बात करता हूँ तो पीछे से आपको रियर सीट पर आपको वो मिल जाएगा, एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लग रहा है। एक बार पीछे से